गुड मॉर्निंग मैम। सो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन पेज नंबर 203। ओके, पेज नंबर 203 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है वी कॉल द लास्ट टाइम द लास्ट टाइम यू विजिटेड ए हेयर ड्रेसर। कभी आप हेयर कटिंग के लिए गए हो, है ना, हेयर ड्रेसर के पास, तो क्या होता है, ही शी मेक्स यू शिफ्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। वो आपको एक मिरर के सामने बैठा देते हैं। आफ्टर योर हेयर कट इज कम्प्लीटेड, जब कम्प्लीट हो जाता है, ही शी होल्ड्स ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू क्या हाउ द हेयर हैज बीन कट, है ना। वो आपको पीछे एक मिरर आपके आगे होता है, एक मिरर आपके पीछे लगा के आपको दिखाते हैं कि आपका हेयर कट कैसा हुआ है। होता है ऐसा, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है, तो हाउ, ओके, डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। तो आपको जो बैक है, बैक पोर्शन आपको कैसे दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना। आपके जो सामने मिरर है और उस अपने जो पीछे आपके मिरर लगाया, तो वो दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल आ गए और जो आपका पीछे का हेयर कट है वो आपको आगे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड द पेरिस को बनाया था एज एन क्लासिक्स में आपने कहा था इसको, द पेरिस को मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, वहां पर हमने टू प्लेन मिरर का यूज किया था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल यू टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे वो भी हम टू मिरर के यूज करके देख सकते हैं। आगे हम सब यूज करेंगे अभी। पेरिस कोप्स आर यूज्ड इन क्या चीजें हैं अंदर, वहाँ देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। मल्टीपल इमेज यानी एक से ज्यादा इमेज कब बनते हैं वो देखेंगे। यू आर अवेयर दैट प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज of an object. जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी सिंगल इमेज दिखाई देती है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, जब अपने सामने एक प्लेन मिरर है और हम उसके सामने खड़े हैं तो हमें अपनी इमेज सिंगल इमेज दिखाई देती है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, यदि हमारे पास टू प्लेन मिरर्स है और उसको कॉम्बिनेशन करके हम डिफरेंट एंगल में रख करके किसी पर्टिकुलर इमेज को देखें, हमको कितने एंगल पे कितनी इमेज दिखाई देगी, है ना, ये एक्टिविटी है। ओके, लेट अस सी, आगे चलते हैं। पेज नंबर 204 में आइए, एक्टिविटी दिया गया है। इसमें एक्टिविटी है टेक टू प्लेन मिरर्स, लेना है हमको, सेट देम एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन कोई भी एंगल हो सकता है, है ना, आप उसको 30 डिग्री पे ले सकते हैं, 40 डिग्री, 60, 70, 80, 90, किसी भी डिग्री पर। राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस, कॉर्नर से, है ना, आप उसको ऐसे ले सकते हो, है ना, टू हिंज देम, हिंज ज्वाइन करने के लिए, जैसे गेट में होता है ना हिंजेस, वैसे ही आप उसको ज्वाइन करने के लिए टेप का यूज कर सकते हो। टू हिंज देम यू कैन यूज एडहेसिव, मीन चिपकाने के लिए एडहेसिव टेप लगा सकते हैं। प्लेस ए कॉइन इन बिटवीन द मिरर, अब जो ये दो मिरर है उसको आपने दूसरे के परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे ज्वाइन किया है, इन दोनों के बीच में आपको सेंटर में एक कॉइन रख देना है, ठीक है, और उसकी इमेज देखनी है। ठीक है,
ओके सपोज दैट ये हमारा एक द बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है. हेलो मैम लाइट मैम दिख रहा है. बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है. यस मैम. ओके तो हमने क्या किया यहाँ पर दो प्लेन रख लिए हैं किसी भी दिन में उसको हमने एक एंगल पे एडहेसिव टेप की हेल्प से उसको हिंज किया है यानी ज्वाइन कर दिया है. उसके आगे हमने प्लेस ए कॉइन इन बिटवीन दिस मिरर हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी. हमने कितने इमेज देखे. ओके इसको फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट मतलब 90 डिग्री पे होगा. सपोज दैट जो एंगल है 90 डिग्री होगा तो इस पॉइंट हमको थ्री इमेजेस दिखाई देंगे. ओके नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल से 45, 60, 120, 180 डिग्री से आप अलग अलग एंगल देख सकते हैं उस पॉइंट की आपको कितने इमेज दिखाई देती है. नाउ प्लेस सम ऑब्जेक्ट से एक कैंडल रख सकते हैं आपके सामने. इन बिटवीन देन नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस. और आप जितने भी आप केस में एंगल चेंज कर रहे हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आप इमेज देख सकते हैं. फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल. अब ये जो दो मिरर हैं अभी तक हम एक एंगल पर रख रहे थे किसी ना किसी एंगल पे. अब हम क्या करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के पैरेलल है ना परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल रखेंगे पैरेलल. ओके यदि हम एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं ईच अदर फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कैंडल प्लेस है ना बिटवीन दी. यदि हम दो मिरर हैं प्लेन मिरर हैं एक दूसरे को पैरेलल रखते हैं कितने इमेज बनते हैं इनफाइनाइट है ना. इतने इमेज बनेंगे इनफाइनाइट है ना अनकाउंटेबल बहुत सारे इमेज बनते हैं इनफाइनाइट. कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर प्रेशर टू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स इसमें क्या है प्लेस्ड एट एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड टू द और इसी तरह से कैलिडोस्कोप में भी होता है. कैलिडोस्कोप अभी हम बताएंगे एक्टिविटी में टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स में दिखाई देते हैं आपको. यू कैन ऑल्सो मेक कैलिडोस्कोप ग्लोसल अपने आप भी बना सकते हो. ठीक है तो इसी को जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसमें हम देखेंगे. इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा जिससे हम ये इमेजेस फाइंड आउट करते हैं. वो इमेजेस क्या है कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो सुनिएगा है ना. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन बिटवीन दी मिरर्स placed perpendicular. Perpendicular means होता है 90 degree पे. यदि हम जो ये plane mirror है, इस plane mirror के बीच 90 degree का angle होगा, तो कितनी image जो हमने coin रखा हुआ है, इसकी हमको three images दिखाई देंगी. इसके लिए formula होता है. फॉर्मूला होता है जिससे हम ये इमेजेस कितनी बनेगी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट से भी हम दे सकते हैं. सपोज दैट यदि हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल
है बेटा, ये बात समझ में आई? यस मैम। हेलो बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, ये कैसे हम इमेजेस फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, सभी लोग yes, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप अपने वेयर मिरर है उसको किसी भी एंगल में रख करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने इमेजेस फाइंड आउट होंगे, कितने इमेजेस बनेंगे। ओके, ठीक। इसी तरह व्हेन ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मींस हो गया कितना होगा एंगल, है ना? द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्मड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज, क्या हो जाएगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड अपॉन द एंगल, एंगल पर डिपेंड करता है बिटवीन द मिरर्स कैन बी, इसको आप कर सकते हो। जैसे कि 60 डिग्री पर यदि है तो क्या होगा, देखिए सपोज दैट ये दो प्लेन मिरर है, ये दूसरे से पैरेलल हो रहा है, ये वो कंडीशन है जब कि एक दूसरे के पैरेलल है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, ये पैरेलल कंडीशन होगी इसके बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। समझ रहे? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लिखेगा 360 अपॉन जीरो माइनस वन। ओके, क्या हो जाएगा आप देख रहे हो? Yes, ma'am. This is the answer. This minus 1 equal to infinite. Okay? कितने इमेजेस बनेंगे? Infinite. Okay? ठीक, इसी तरह यदि 60 डिग्री होगा इन दोनों के बीच एंगल तो क्या होगा? Suppose that this one की जो एंगल है वो कितना है हमारा 60 डिग्री. Okay? तो हम कैसे निकालेंगे? कितने इमेज बनेंगे? 5 इमेज। ओके, 60 डिग्री पर है तो कितने बनेंगे? 5 इमेज। बात समझ में आ गई? चलिए कल दोस्तों देख लेते हैं। Are you hear me? बेटा आवाज सुनाई दे रही है? Yes ma'am. Hello. Yes ma'am. Okay. Kaleidoscope समझते हैं। To make a kaleidoscope क्या करना है? Get three rectangular mirrors लेने हैं हमको। Three rectangular. Rectangular means three, है ना? समझिएगा। हमें इसके लिए थ्री रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल मीन होता है ना जो त्रिभुजाकार, है ना, रेक्टेंगल है ना आयताकार, हमको थ्री प्लेट्स दे दी हैं, इनको हमको कंबाइन करना है, कंबाइन एंगल करेंगे है ना, ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये थ्री रेक्टेंगुलर मिरर्स इस पे लेना है, ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो एंड 5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी, join them together to form a prism like structure बनाएंगे, है ना, triangle जैसा structure बना लेंगे जैसा कि figure में दिखाया गया है, fix them in a circular cardboard, okay, जैसा दिखाया गया है, ऊपर देखिए circular cardboard है, है ना, circle दिखाया जा रहा है, उसके पीछे आपको उसको add करना है, make sure that the tube is slightly longer होना चाहिए than the mirror strip, okay,
close one end of the tube by a cardboard आप उसको close करते हैं जिसको having a hole उसके बीच में छोटा hole होगा in a center through which you can see जिसे आप देख सकते हैं to make this durable paste a piece of transparent plastic sheet उसके ऊपर लगा सकते हैं आप under the cardboard this at other end दूसरे end पे क्या करना है touching the mirror वहाँ पर एक mirror लगाएंगे fix a circular plate ग्लास प्लेट लगा देंगे दूसरे वाले पे प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल उसके अंदर क्या डालना है जो आपने ये बनाया है ट्रायंगल उसके अंदर बहुत सारे आप शेप डाल सकते हैं सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स है ना जब चूड़ियाँ टूट जाती हैं जो बैंगल्स हैं उसको डाल सकते हैं छोटे छोटे पीस क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय द राउंड ग्लास प्लेट कोई भी ग्लास प्लेट लगा के आप उसको बंद कर सकते हो allow enough space for the color pieces to move और उसके अंदर enough space होता है वो इस भी जो small हिस्सा में डाले वो आपस में move करेंगे your kaleidoscope is ready when you peek है ना shake करोगे through the hole या देखेंगे हम hole से जो circular लगाया you will be able to see the variety of pattern तब आपको जहाँ पर आपने circular एक बनाया था cardboard लगाया था वहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको different pattern बहुत सारे शेप दिखाई देंगे है ना एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ए कैलिडोस्कोप इज दैट अंडरलाइन करेंगे इसे यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन एक पैटर्न आप दोबारा नहीं देख पाओगे डिजाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं कौन आर्टिस्ट है ना जो डिजाइनर लोग होते हैं ओके To make you attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. आप कोई भी attraction बना सकते हैं, colored paper वगैरह लगा सकते हैं. तो आपको kaleidoscope अपना kaleidoscope बनाना है. और फिर मुझे बताइए कि आपका kaleidoscope बना, आप उसको बना पाए, और वो working है या नहीं. ये मुझे आप बताएंगे. Next class में कल हम activity 16.7 पढ़ेंगे. Okay? उसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे. Okay? तो फिर यदि आपको अभी कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं. You can ask me if you have any query, any question. सब समझ में आ गया बेटा? श्रेया, शुभम? Yes ma'am. Yes ma'am. कुछ पूछना है बेटा? No ma'am. Everything is clear? Yes ma'am. Okay then. Bye, Vita. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.